गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण का प्रभाव, जिसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अंतिम पार्ट, जो पार्ट थर्ड है, वो पढ़ रहे हैं। देखिए, परिवहन की समस्या, नगरों की हम विशेष समस्याओं की बात कर रहे थे। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नगरों की स्थापना के समय से अधिक क्षेत्र में फैले हुए नहीं होते हैं, आते इनके प्रारंभिक काल में इधर उधर आने जाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, किंतु जैसे जैसे नगरीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, वैसे ही क्षेत्रीय फैलाव के आधार पर परिवहन के साधनों की आवश्यकता होने लगती है। सुस्थापित नगरों में अर्थात विकसित नगरों में तो बिना परिवहन के साधनों के लोगों का दैनंदिन काम ही नहीं चल सकता, दैनिक काम ही नहीं चल सकता। स्थिति यहाँ तक बदल गई है कि वाहनों की संख्या के आधार पर ही नगरों के छोटे अथवा बड़े होने का तथ्य ज्ञात किया जाता है। वाहनों के बढ़ने से नगरों में ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं, वायु तथा शोर के कारण प्रदूषण बढ़ा है। हमारे देश में असुरक्षित सड़कें, अव्यवस्थित यातायात तथा सार्वजनिक वाहनों में अत्यधिक भीड़ के कारण नगरीय आवागमन असुविधाजनक एवं असुरक्षित है। फिर ट्रैफिक के प्रति जागरूकता का अभाव और इससे संबंधित अशिक्षा भी समस्या के मूल में ही निहित है। जनसंख्या वृद्धि तो परिवहन समस्या का मुख्य कारण है ही, किंतु व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाकलापों का केंद्रीकरण नगरों में होने से भी आवागमन समस्या बढ़ी है। भारत में मुंबई की परिवहन व्यवस्था को देश भर में अच्छा माना जाता है, किंतु नगरीय विस्तार तथा जनसंख्या वृद्धि से वहाँ भी आवागमन कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। मुंबई में प्रतिदिन उपनगरीय रेलों में लगभग 40 से 45 लाख लोग यात्रा करते हैं, किंतु विशेष समय पर लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता वाली रेल में लगभग 4000 व्यक्ति यात्रा करते हैं। मुंबई की स्थिति के आधार पर दिल्ली, कलकत्ता, अहमदाबाद व कानपुर जैसे नगरों में यातायात की व्यवस्था शोचनीय है। नगरों में परिवहन की समस्या एक प्रमुख नगरीय समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। इस पर ध्यान दिया जाना परम आवश्यक है, अन्यथा इससे जुड़ी द्वितीयक एवं तृतीयक समस्याएं विकराल रूप धारण कर समाज में विकृति का कारण बन जाएगी। तीसरा है अन्य नगरीय समस्या, अदर अर्बन प्रॉब्लम्स। नगरों से संबंधित अन्य समस्याएं भी महत्वपूर्ण मानी गई है। कुछ इसी प्रकार की समस्या निम्नानुसार है। पहला, नगरों के आकार का बढ़ना ही अपने आप में समस्या तथा समस्याओं का जनक माना जाता है। इससे जनसंख्या की सघनता, पॉपुलेशन डेंसिटी भी विशिष्ट प्रकार की समस्या का रूप ले लेती है। तीसरा, जनसंख्या की सघनता के साथ छोटे छोटे मकान होने से अति संकुल जीवन यापन, ओवर क्राउडिंग लिविंग की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या की सघनता हमारे यहाँ कुछ नगरों में अत्यधिक है, संसार के प्रमुख नगरों में भी यह उतनी ही नहीं होती है। उदाहरण, मुंबई में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20,000 लोग रहते हैं, जबकि अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह संख्या 10,000 तथा शिकागो में लगभग 6,500 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला है, नगरों में प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, घी, शाक सब्जी व फल सब्जी आदि दूरस्थ स्थानों से लाई जाती है, और परिवहन, चूंगी, टोल टैक्स या अन्य टैक्स के कारण इनका उपभोक्ता मूल्य अधिक हो जाता है। अगला है, नगरीय क्षेत्रों में वर्षानुवर्ष जल, भूमि, वायु एवं शोर प्रदूषण की समस्याएं विकराल होती जा रही है। नगरीय जीवन के कारण सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप मानसिक तनाव, मनोविकार तथा वर्ग संघर्ष में बढ़ोतरी होती है। अगला है, समस्याओं का समाधान। जब समस्याएं उत्पन्न होती है तो मानव उनका समाधान भी खोज लेता है। उपरोक्त वर्णित समस्याओं का कुछ सीमा तक समाधान निम्नांकित उपायों से किया जा सकता है। पहला, लघु उद्योगों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नगरों में उद्योगों की बहुलता के कारण लोग विभिन्न उद्देश्यों से वहाँ या तो बस जाते हैं या आना जाना करते हैं, अतः उद्योगों का विकेंद्रीकरण समस्या समाधान में सहायक हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बों में उद्योगों की स्थापना किया जा रहा है, इसका विकल्प है। दूसरा, बड़े उद्योगों को जनसंख्या बहुल क्षेत्रों से दूर स्थापित करने से नगरीय व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी और औद्योगिक दृष्टि से भी लाभ परिलक्षित होंगे। तीसरा, कामगारों हेतु स्वस्थ कॉलोनियाँ, हेल्दी कॉलोनीज फॉर वर्कर्स। औद्योगिक कामगारों के लिए कारखानों से दूर नगर के बाहरी भागों में स्वच्छ तथा स्वास्थ्य पूर्ण कॉलोनियाँ बनाई जानी चाहिए। चौथा, नगरों का योजनाबद्ध विकास और प्लांट डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। नगरों की योजनाबद्ध विकास द्वारा अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, नगरों का पुनर्निर्माण भी किया
जा सकता है। अगला है सामान्य सुविधाओं को प्राथमिकता। नगरीय क्षेत्र में सामान्य सुविधाएं जैसे परिवहन, स्वास्थ्य तथा नगर पालिका की सुविधाओं को प्राथमिकता प्रदान कर की जानी चाहिए तथा नगर विस्तारीकरण के साथ इन सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार भी होना चाहिए। छठा है सामान्य स्वास्थ्य स्थलों को प्राथमिकता। नगरीय क्षेत्र में जन स्वास्थ्य के स्वास्थ्य संबंधी स्थानों का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण है कि स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों से अन्य दूसरे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति बन जाती है, कारण कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा निजी स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। शहरीकरण एवं जनसंख्या संकट, पॉपुलेशन क्राइसिस एंड अर्बनाइजेशन के अंदर क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि सीधी नगरीकरण से जुड़ी होती है। समेकित रूप से जनसंख्या वृद्धि नगरीकरण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। इसी मंतव्य को आधार मानकर पिछले कई वर्षों से वैज्ञानिकों तथा मानव समाज के हित चिंतकों ने जनसंख्या वृद्धि की विविधाकारी मानकर चेतावनी तक दे डाली थी। आज यही समस्या क्या विकसित और क्या विकासशील समस्त देशों में चिंता का कारण बनी हुई है, विस्फोटक रूप से बढ़ती जा रही है। मानव जनसंख्या को वर्तमान में स्थिर करने के स्थान पर इसमें कमी लाना परमावश्यक हो गया है। नगरीकरण की स्थिति पर अगर दृष्टिपात करने से हमें ज्ञात होता है कि सन 1950 में मात्र न्यूयॉर्क की एक ऐसा नगर था जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ थी, जबकि वर्तमान में विश्व स्तर पर 14 नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। जापान स्थित टोक्यो की आबादी लगभग 2.6 करोड़ हो गई है। ऐसे नगर जिनकी आबादी 2 लाख या अधिक है भी तेजी से जनसंख्या की दृष्टि से बढ़ रहे हैं और एक यह वृद्धि नीचे जो है हम स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, विश्व में 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या का अगर आकलन करें तो सन 1950 में नगरों की संख्या केवल 83 विश्व स्तर पर, 1970 में बढ़कर 165 हो गई और 1990 में 282 पे पहुंच गई। विकासशील एवं कम विकसित राष्ट्रों में 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या का अगर हम आकलन करें तो देखिए 1950 में लगभग 34 थी, 1970 में 82 हुई और 1990 में 174 हो गई। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की वृद्धि दर विकासशील एवं कम विकसित राष्ट्रों में विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। मतलब विकासशील और कम विकसित राष्ट्रों में विकसित देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। विकसित राष्ट्रों में इनकी नगरों की संख्या 1950 में 49 थी, जो बढ़कर 1990 में 108 हो गई। यह वृद्धि दर विकासशील देशों की अपेक्षा बहुत कम है। भारत में 1950 में 10 लाख के अधिक जनसंख्या वाले 5 नगर थे, जो 1990 में बढ़कर लगभग 23 हो गए। यह वृद्धि लगभग 4.6 गुना थी। इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि पिछले 50 वर्षों में नगरीकरण की दर में जो है वृद्धि कम विकसित राष्ट्रों के कारण हुई है। इससे यह भी पता चलता है कि नगरीकरण की वृद्धि की दर विकासशील एवं कम विकसित राष्ट्रों में अधिक है। इन राष्ट्रों में अधिकाधिक लोग नगर में निवास करने लगे हैं। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े 15 नगरों में से 11 नगर विकासशील राष्ट्रों में अवस्थित है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य में बनने वाले बड़े नगर अधिकांशतया विकासशील राष्ट्रों में ही होंगे। यह भी कहा जा सकता है कि ये सभी विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों में ही होंगे। विश्व स्तर पर अगर हम नज़र डालें तो ये पता चलता है कि 24 घंटों में लगभग 3,36,960 बच्चे पैदा होते हैं। कुपोषण, भूख, बीमारियों तथा अन्य कारणों से एक दिन में 1,46,960 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक दिन में जनसंख्या वृद्धि लगभग 1,90,000 होती है। आंकड़ों से भी स्पष्ट हो रहा है कि संसार की जनसंख्या शीघ्र ही दुगुनी हो जाएगी। अधिक आबादी के कारण ही पर्यावरण तथा आवास की व्यवस्था वर्तमान में जर्जरित हो रही है। अधिक व्यक्तियों से तात्पर्य हमारा यहाँ है कि अधिक भोजन, अधिक कूड़ा करकट, अधिक प्रदूषण, भूमि तथा वन का अधिक विनाश आदि। अतः प्रत्येक जन्म के साथ ही संसाधनों हेतु अधिक प्रतिद्वंदिता उत्पन्न होकर विनाश का कारण बनती है। ऐसा माना जाने लगा है कि पर्यावरण संबंधित किसी भी समस्या का समाधान के सार्थक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है जब तक कि आबादी पर हम नियंत्रण नहीं करते हैं। यह आबादी पर नियंत्रण नहीं होता। वस्तुतः जनसंख्या वृद्धि महत्वपूर्ण अन्य कोई वस्तुतः आज के समय में जनसंख्या वृद्धि से महत्वपूर्ण अन्य कोई भी समस्या नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के अगर आंकड़े देखें
तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य के आदिकाल से लेकर आज तक 3 शताब्दी पूर्व तक के कालखंड जो लगभग 10 लाख वर्षों का होता है में जनसंख्या मात्र 55 करोड़ थी, किंतु विगत 3 शताब्दियों में ही यह जनसंख्या बढ़कर 337 करोड़ हो गई और यह प्रत्येक 40 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। इसी दर से वृद्धि होने पर सन 2000 में 600 करोड़ तथा सन 2040 में 1200 करोड़ जनसंख्या हो जाने का अनुमान लगाया गया है। मानव जनसंख्या में वृद्धि सिग्मोइड यानी कि एस आकार के वक्र के अनुसार ही अनुकूल वातावरण में वृद्धि का प्रदर्शन है। सन 1970 में विश्व की जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदनानुसार लगभग 3.5 से 3.7 अरब के मध्य थी। विश्व के कुछ क्षेत्रों के आंकड़े समंक डेटा सही नहीं होने से वास्तविक संख्या बताना आज संभव नहीं है। एशिया में विश्व की 2/3 आबादी निवास करती है और विश्व की 1/3 जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, सोवियत रूस में और यूरोपीय देशों के अंतर्गत आती है। इन्हें विकसित क्षेत्र माना जाता है। चीन, सोवियत रूस और भारत नामक इन 3 देशों में संसार की आधी आबादी रहती है। वैश्विक स्तर पर 2.42% भूभाग पर बसे भारत देश में संसार की कुल आबादी की 16% जनसंख्या रहती है। सन 1990 में विश्व की जनसंख्या 5.3 अरब थी तो सन 2000 तक 6.3 अरब हो जाएगी। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या 84,39,30,861 थी, जो 1992 में वृद्धि कर 87,37,62,705 हो गई थी। भारत में विगत में संपन्न राष्ट्रीय जनगणना 2001 के विशिष्ट एवं अनेक संशोधनों के साथ की गई थी, जो उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नानुसार रहे हैं। पहला, भारत की जनसंख्या 1,02,70,15,247 है। इसमें 53,12,77,078 पुरुष तथा 49,57,38,169 महिला है। विगत दशाब्दी में भारत की जनसंख्या 84,63,00,000 से बढ़कर 1,02,70,00,000 हो गई। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 से कम होकर 1.93 हो गई है प्रतिशत। 2001 की जनगणना के आधार पर लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। पूर्व में लिंगानुपात 927 था, जो बढ़कर 933 हो गया। केरल प्रदेश में 1,058 लिंगानुपात है, जो सर्वाधिक है पूरे भारत में, तथा उत्तरांचल में सबसे कम लिंगानुपात 773 है। जनघनत्व में बढ़ोतरी हुई है, वर्तमान में 324 है। सर्वाधिक घनत्व 904 पश्चिम बंगाल में, जबकि सबसे कम 13 अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखें तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या 5,40,493 सिक्किम राज्य की है। अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, 16,60,52,872 है। वर्तमान में प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भारत में 933 है 2001 की जनगणना के अनुसार, जबकि पूर्व दशक में ये 927 थी। इस प्रकार स्त्रियों का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा बढ़ा है। साक्षर व्यक्ति बढ़े हैं, इसका अनुपात 52.2% से बढ़कर 65.4% हो गया है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, यहाँ कुल साक्षरता का 90.92% पुरुषों में, लगभग 94.20 स्त्रियों में, 87.86 है। अगला पॉइंट, साक्षरता में बिहार राज्य सबसे पीछे है, यह साक्षरता 47.53% है। बिहार में पुरुष साक्षरता 60.32% और महिला साक्षरता 33.57% है। पिछले दशक की तुलना में सन 1991 से 2001 के मध्य भारत की शिशु जन संख्या दर घटी है, यह देश में प्रजनन दर घटने का सूचक है। बारह, जनसंख्या की वृद्धि में सर्वाधिक कमी आंध्र प्रदेश में हुई है, पिछले दशक में 24.2% की वृद्धि दर से बढ़ी थी, जबकि 1991 से 2001 के मध्य 13.86% रह गई। सन 1991 से 2001 के दशक में वृद्धि ब्राजील देश की कुल जनसंख्या से अधिक है। उल्लेखनीय कि ब्राजील संसार का 5वां सबसे बड़ा देश है। अगला, साक्षरता दर बढ़ने से जनसंख्या वृद्धि दर घटी है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर बढ़ी है, 4 पुरुषों में 3 पढ़े लिखे होने का तथ्य उभरा है। हमारे देश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 राज्य क्रमशः 87.87%, मिजोरम में 86.13%, गोवा में 75.51%, हिमाचल प्रदेश में 68.08% एवं महाराष्ट्र में 67.57% है।
भारत में 23.33% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 24.02% लोग और शहरी में 21.59% है। उड़ीसा राज्य निर्धनता में सर्वोपरि है, बिहार का स्थान दूसरा है। उड़ीसा में निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत 47.15% है, बिहार में 42.6% है। इनके पश्चात मध्य प्रदेश में 37.45% है, सिक्किम में 36.5% और असम में निर्धनता का प्रतिशत 36.9%। ये जानने योग्य तथ्य है कि भारतीय जनगणना 2001 का प्रगणन काल भी 9 से 28 फरवरी 2001 तथा संदर्भ तिथि है 1 मार्च 2001 का सूर्योदय तक थी। ये जनगणना विधि सिद्ध पद्धति से की गई, परंतु इसमें विस्तृत और अन्य तथ्य सिद्ध पद्धति भी काम में ली गई। विश्व जनसंख्या और भारत की बात करें तो सन 2001 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या 1,07,001,05,247 थी। 1 अरब अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 2000 में 6,055 मिलियन थी। अतः भारत में विश्व की 16.87% जनसंख्या निवास करती है। ध्यान देने योग्य बात है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है। भारत में अधिक जनसंख्या संसार में चीन की है। भारत से अधिक जनसंख्या संसार में चीन की है। विश्व में मात्र 2 देश चीन एवं भारत ही ऐसे हैं जिनकी संख्या जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, अर्थात 1 अरब से अधिक है। यह भी जानने योग्य है कि पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया की कुल संख्या इतनी नहीं है जितनी भारत की आबादी एक दशक में बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि कारण, जनसंख्या को एशियाई देशों में अत्यधिक वृद्धि के निम्नांकित कारण माने गए। पहला, जन्मदर का ऊंची होना लगभग 40 प्रति हजार, मृत्यु दर का कम होना। भारत में मृत्यु दर 1911 में 40 प्रति हजार थी, जो सन 1931 में 36 हो गई प्रति हजार और सन 1951 में 27 प्रति हजार हो गई। 1961 में 18 प्रति हजार तक लगातार कम होती जा रही है। एकाधिक संतानों की आवश्यकता को भारतीय धार्मिक और सामाजिक विचार भी पुष्ट करते हैं। बाल विवाह भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक होते हैं। दंपति कम उम्र में संतानोत्पत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं जो दीर्घकाल तक जारी रहता है। मनोरंजन के साधन कम होने के साथ निर्भरता में संतानोत्पत्ति करने का बल मिलता है। शिक्षा के अभाव में नियोजित परिवार के महत्व को नहीं समझते कारण परिवार नियोजन से दूर रहते हैं। औद्योगिकरण से इंडस्ट्रियलाइजेशन के उत्पादन वृद्धि तथा इसी प्रकार कृषि सुधारों से उत्पादन वृद्धि के फलस्वरूप समानता बढ़ने से परोक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि हम नगरीकरण का भविष्य देखें, फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। जनसंख्या वृद्धि हम नगरीकरण के समन्वित भविष्य की चर्चा भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कारण है कि नगरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि का चोली दामन का साथ है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि पृथ्वी की भी अपनी निश्चित एवं निर्धारित धारण क्षमता है। जब इस क्षमता से अधिक जनसंख्या होने लगेगी तो नगरीकरण के साथ स्वास्थ्य समन्वित विश्रृंखला स्वास्थ्य की समन्वित विश्रृंखला होकर अनेक प्रकार की विकृतियों को जन्म देगा। अंततः जनसंख्या को सीमित कर देगी। वर्तमान में जब इतनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण गरीबी एवं भुखमरी बढ़ती जा रही है, भविष्य में होने वाली जनसंख्या में बढ़ोतरी आर्थिक कृषि विकास के साथ समन्वय को छिन्न भिन्न कर देगी। प्राकृतिक संसाधनों की अनुपलब्धता, भूमि विनाश, व्यर्थ अवशिष्टों तथा प्रदूषण जैसी समस्याएं जनसंख्या बढ़ने के साथ विकराल रूप धारण कर लेंगी। इसी संदर्भ में एक चेतावनी दी गई है जो कि अत्यंत प्रासंगिक भी है। इसके अनुसार यदि जनसंख्या वृद्धि दर यही रही तो आने वाले 700 से भी कम वर्षों में एक वर्ग फुट के क्षेत्र में एक व्यक्ति को रहना होगा। ये अपने आप में मानव जाति के लिए एक चौंकाने वाला तथ्य है। वस्तुतः तो मानव जाति की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाना अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जनसंख्या के भरण पोषण हेतु उपलब्ध पृथ्वी की प्राकृतिक संपदा की सीमितता को सामना होगा एवं समझना होगा। यही संपदा भविष्य हेतु काम में आने वाली है। पहला, नगरीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संपदा का दोहन अधिक होकर असंतुलन उत्पन्न करेगा। यह स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है। नगरीकरण एवं जनसंख्या बढ़ोतरी से मानवीय संबंध भी प्रभावित होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के भौतिक साधनों की धारण क्षमता से जनसंख्या भार अधिक होने से उस क्षेत्र में भुखमरी फैलती है। अस्वच्छ स्थिति में दरिद्रता, निर्धनता के कारण जीवन जीने की बाध्यता से रोग बढ़ते हैं, जिससे मृत्यु दर तो बढ़ जाती है किंतु जन्म दर कम हो जाती है। जीवन के लिए आवश्यक साधनों की कमी
अव्यवस्था को जन्म देती है, जिससे नागरिक कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, फलतः गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती है। इसका उदाहरण कई देशों में जैसे बोस्निया, सर्बिया, रोमानिया आदि में देखा जा सकता है। अनेक अफ्रीकी देशों में भी कमोबेश यही स्थिति है। इसका मूल कारण जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी अव्यवस्था ये है। भोजन तथा आवास की पूर्ति बढ़ती जनसंख्या हेतु सर्वोपरि आवश्यकता है। आवास हेतु लकड़ी की महत्ता सर्वविदित है। लकड़ी के लिए वनों का दोहन किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ वन विनाश बढ़ता जा रहा है। वन विनाश से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, तो जलवायु को प्रभावित करने के साथ ही अनेक पेड़ पौधों और अन्य जंतुओं की प्रजातियों को लुप्त करने में लगा है समय लुप्त करने में लगा हुआ है। आवास के साथ ही भोजन की समस्या भी विकराल रूप स्वरूप धारण करती जा रही है। उन्नत कृषि से उत्पादन क्षमता बढ़ी है, फिर भी भरपेट भोजन एवं पोषण की स्थिति जनसंख्या वृद्धि के साथ ही निरंतर बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि ही गांवों से लोगों को नगरों में जाने को बाध्य कर रही है। गांवों के समान ही शहरों में भी रोजगार के सीमित साधन होने से जनसंख्या दबाव, प्रदूषण तथा जल ध्वनि और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। नगरों के विकास के साथ साथ पशुओं, मनुष्य तथा अन्य प्रकार से उत्पन्न गंदगी और कूड़े कचरे के निपटान की सुविधाएं कम होती जा रही हैं। यह विचित्र किंतु सत्य है कि बड़े बड़े नगरों में गंदगी के आसपास ही कच्ची बस्तियां बसी हुई है, जिससे प्रदूषण और बढ़ता है। भारत 3119 छोटे बड़े नगर है भारत में, किंतु मात्र 8 नगरों में ही पूरी तरह से सीवरेज व्यवस्था कार्यशील है। सीवरेज व्यवस्था 209 नगरों में आंशिक रूप से ही उपलब्ध है। इसी से प्रदूषण की स्थिति का आकलन किया जा सकता है कि हमारे यहाँ की नदियों को प्रदूषण तो दिनों दिन विकराल स्वरूप लेता जा ही रहा है। उदाहरणार्थ बात करें तो गंगा नदी के किनारे बसे 114 नगरों की गंदगी गंगा में जाने से भयावह स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। यही हाल दूसरी नदियों के भी हो रहे हैं। यातायात के साधनों के तेजी से बढ़ने का कारण प्रमुख तक नगरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि है। स्कूटर, मोटरसाइकिलों, कारों, ट्रकों, बसों, रेलों, हवाई जहाज़ों से निकलने वाले धुएं के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड से वायु प्रदूषण तीव्रता से बढ़ रहा है। चक्कर आना, उल्टी आना, बेहोश दम होना, दमा एवं अन्य श्वास संबंधी रोगों की बाढ़ आना बढ़ते वायु प्रदूषण को प्रमाणित करता है। इससे और अधिक बढ़ाने में योगदान बढ़ता है, औद्योगिकरण दे रहा है। इस प्रकार विषम वायुमंडलीय स्थितियों को और भी स्थितियाँ खराब होती जा रही है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल बनाने में काम आने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे हानिकारक सौर किरणों के पृथ्वी पर आने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तब पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। रियो डी जेनेरो में सन 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन सेव द प्लेनेट इसी समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श भी किया गया था। समाधान सॉल्यूशन। नगरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण आसन्न संकट को दृष्टिगत विश्व के सभी राष्ट्र समस्या छुटकारा पाने हेतु प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जनसंख्या विशेषज्ञ समिति ने कुछ उपाय सुझाए जो निम्नानुसार है। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा, खनिज संपदा, पशुधन, जल संसाधन, मृदा, वन संपदा का वैज्ञानिकता के आधार पर उपयोग और विकास और संरक्षण। तीसरा, शिक्षा का प्रसार। चौथा, परिवार नियोजन अपनाना। पाँचवा, विवेकपूर्ण औद्योगिकरण तथा नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। छठा, विवाह की आयु में वृद्धि करना। सातवां, जो ये तो हो गए मूल। फिर वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी जंतु समुदाय में जंतुओं की संख्या नियंत्रण के 3 संभव उपाय हो सकते हैं। पहला, बड़ी संख्या में स्थानांतरण द्वारा। दूसरा, जन्म दर कम करके। तीसरा, मृत्यु दर को बढ़ा करके। इन तीनों उपायों में जो तीसरा उपाय मानव समुदाय तो अव्यवहारिक प्रतीत होता है, मृत्यु दर को बढ़ा करके, जो कि पूर्णतया गलत है। पहला, बड़ी संख्या में स्थानांतरण, मॉस माइग्रेशन, मानव समुदाय का भी विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। पूर्ववर्ती वर्षों में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम आदि देशों में जनसंख्या वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में स्थानांतरण हुए। यूरोपीय देशों में प्रवासियों से ही संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि आबाद हुए। अब तो प्रवासी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आधारीय समस्याएँ देखिए, लैक ऑफ ओपन स्पेस, खुले क्षेत्र की कमी, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की कमी, पॉल्यूशन, प्रदूषण, सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑडिज, सामाजिक और जो है आर्थिक विपन्नताएँ, विशिष्ट समस्याओं में लॉस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का घट जाना, स्वास्थ्य कमी होना, ओवर क्राउडिंग जो है अत्यधिक भीड़ भाड़ होना, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, फूड प्रॉब्लम, भोजन की समस्या, वेस्ट डिस्पोजल, व्यर्थ के निपटान की समस्या, बिहेवियर और व्यावहारिक समस्याएं, सोशल डिवेल्यूशन,
सामाजिक संस्कृति का गिर जाना, नगरीकरण के समाधान सॉल्यूशन फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, दूसरा हेल्थ एंड हाइजीन स्वास्थ्य और स्वच्छता, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण, प्लान्ड अर्बन एरियाज जो है नियोजित शहरी क्षेत्र, फैसिलिटीज़ फॉर जनरल नेसेसिटीज और जो है सामान्य जो आवश्यकताएं हैं उनकी सुविधा को उपलब्ध करवाना, ये नगरीकरण का प्रभाव और समाधान। देखिए पूर्वी यूरोप के रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड आदि देशों से पश्चिमी यूरोप के देशों में बड़ी संख्या में मानव का स्थानांतरण हुआ है, माइग्रेशन हुआ है। दूसरा, जन्म दर कम करके बाय रिड्यूसिंग बर्थ रेट, इसे मानव जनसंख्या कम करने की सर्वाधिक स्वीकार्य विधि माना जाता है। जन्म दर कम करने के लिए परिवार नियोजन एवं संतति निरोध के उपाय काम में ले जाते हैं। परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों को अपना कर के संतानों को संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इस संबंध में जनसंख्या वृद्धि तथा परिवार नियोजन संबंधित शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारत जैसे विकासशील देश में यह अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। अगला है मृत्यु दर को बढ़ा करके बाय इंक्रीजिंग मोर्टलिटी रेट। ये मानवीय दृष्टि से ये उपाय जंतुओं के लिए तो ठीक होता है किंतु मनुष्य के लिए व्यवहारिक नहीं है, बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, इसे न्याय संगत भी नहीं माना जाता है। एस्किमो जाति के लोगों में भुखमरी या भोजन की उपलब्धता नहीं होने पर वृद्ध व्यक्ति अपने आप को परिवार से पृथक कर टुंड्रा प्रदेश में मृत्यु को वर्ण करने के लिए निकल पड़ते हैं। नवजात शिशुओं को मार डालने की कुप्रथा भी कई समाजों में प्रचलित है, जो कि पूर्णतया गलत है। थैंक यू।